हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। एयरफोर्स स्कूल बमरौली से टीचर्स वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर रेगुलर पोस्ट पर वैकेंसी आई है और कुछ पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर भी है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, NTT टीचर्स की वैकेंसी है, TGT, PGT, इसके अलावा म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, गेम्स स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है। कोई फीस नहीं लगेगी। 30 मार्च तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। सैलरी की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छी सैलरी जो है एयरफोर्स स्कूल में रहती है, और पे स्केल जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन में हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये जो है एडवर्टीजमेंट है, वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल बमरोली। सबसे पहले PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, रेगुलर है वैकेंसी। TGT इंग्लिश की रेगुलर है, TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की रेगुलर बेस पर है, हेल्थ वेलनेस टीचर की रेगुलर पोस्ट है, NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद जो है कुछ पोस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जैसे PGT इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पेशल एजुकेटर फॉर प्राइमरी टीचर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। उसके बाद कोच की जो वैकेंसी है, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये 3 गेम हैं, पार्ट टाइम फॉर 4 आवर, 4 घंटे के लिए जो है कोच को ये रखेंगे। म्यूजिक टीचर में जो है 2 घंटे के लिए टीचर्स इनको चाहिए, डांस के लिए 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पर जो है आप खुद ही देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स हैं उनकी 35,000 PGT टीचर्स की है, तो रेगुलर पोस्ट पर जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी। 45,000 से लेकर 59,000 तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी? द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, एक्सपेक्ट फॉर पार्ट टाइम टीचर्स। फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एज लिमिट के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए स्कूल की मेन वेबसाइट पर जाना है, और स्कूल की मेन वेबसाइट पर आप लोगों को बिल्कुल हर पोस्ट के लिए अलग से यहाँ नोटिफिकेशन में व्यू ऑल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली इन वेरियस पोस्ट, 14 मार्च को ये विज्ञापन जारी हुआ है, 30 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर PGT, TGT हेल्थ वेलनेस टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको ये देखना है, NTT टीचर्स के लिए आप ये देखेंगे, पार्ट टाइम टीचर्स जैसे कोच, म्यूजिक, डांस, तो इन तीनों की सैलरीज मेंशन नहीं की है। जब सिलेक्शन होगा तब आपको वहाँ पर पता लगेगा। तो यहाँ पर जो है योग्यता क्या है इसके लिए आप सी डिटेल देखेंगे। प्राइमरी टीचर्स की अलग से दी गई है, यानी हर पोस्ट की जो है अलग से इन्होंने मेंशन कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो है PGT, TGT और हेल्थ वेलनेस टीचर्स की जो है हम देख लेते हैं सी डिटेल पर क्लिक करके कि क्वालिफिकेशन ये क्या मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में मांगी जा रही है, चाहे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करें, जो भी सब्जेक्ट नोटिफिकेशन में दिए गए हैं मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और बीएड भी मांग रहे हैं, ठीक है, PGT के लिए भी जो है बीएड जरूरी है। केवल PGT कंप्यूटर हेल्थ वेलनेस टीचर की अगर वैकेंसी है तो वहां पर बीएड नहीं चाहिए। एज जो है 21 to 50 ईयर तक के कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, 5 साल की छूट रहेगी इनको। TGT के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में बीएड आपका होना है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। बीएड की डिग्री जो है किसमें नहीं मांग रहे हैं, TGT कंप्यूटर, TGT म्यूजिक, TGT गेम्स, TGT ड्राइंग एंड हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए ड्राइंग की जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने बीएड कंपलसरी किया है।
टीजीटी के टीचर्स के लिए भी जो है 21 से 50 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखें इंग्लिश जो है रीड राइट एंड कम्युनिकेट आपको आनी चाहिए, टीजीटी हिंदी संस्कृत गेम्स एंड ड्राइंग टीचर्स को छोड़कर, तो ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, बाकी जो है जैसे एनटीटी टीचर्स हैं अगर उनकी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है अलग से दिया हुआ है एनटीटी टीचर्स के लिए। अभी देख लेते हैं बीएड वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं एनटीटी टीचर्स के लिए। तो 12th मांग रहे हैं और साथ में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 से लेकर 50 वर्ष जो है यहाँ पर है और 5 साल की छूट जो है वुमेन कैंडिडेट फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को एज में रहेगी। नेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो है केवल प्राइमरी लेवल का आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है नोटिफिकेशन दोबारा से देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पर मेन वेबसाइट पर आपको जाना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया और नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे फिल करेंगे और साथ में जो है अपनी जितने भी आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के उनकी सबकी जो है फोटोकॉपी आपको लेनी है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर लिखना है और इस एड्रेस पर भेज देना है। प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, 211012 पिन कोड है, पोस्ट आपको करनी है बाय पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। एप्लीकेशन कैन बी ड्रॉप्ड इन अ सील्ड बॉक्स कैप्ड एट हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड गेट लेटेस्ट बाय, अभी 30 मार्च तक जो है आप लोगों को भेजनी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप के ऊपर ये जरूर लिखें किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, afsbamrauli.ac.in गूगल पे आपको सर्च करना है और जैसे ही होम पेज पर आएंगे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आपको नजर आएगा, व्यू ऑल पर क्लिक कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को 14 मार्च के 4 नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें फर्स्ट जो नोटिस है इसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से पढ़ लेंगे यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहते हैं तो लिंक आप लोगों को शेयर किया जाता है ताकि उस पर क्लिक करके आप दोबारा से जो है कंप्लीट विज्ञापन जो है वो पढ़ें उसके बाद अप्लाई करें, कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।